जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो विषय की जानकारी ना आपको मेन स्ट्रीम मीडिया देती है ना सोशल मीडिया पे इसका कुछ सुनने मिलता है। हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल जेल्स ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में कितने सेंट्रल जेल हैं, कितने कैदियाँ हैं, इनमें फेमस सेंट्रल जेल कौन से हैं और जेल के अंदर किस तरह का व्यवहार होता है कैदियों के साथ, क्या जेल का कानून है और किस तरह जेल के अंदर की होती है जिंदगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि किसी भी बेकसूर इंसान को कभी भी जेल ना हो, क्योंकि जेल एक ऐसी जगह है, जेल एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बंदे को काबिल बना देती है बेगर किसी डिग्री के। वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र में उसे वो काबिल बना सकती है, वो बुरा बनना चाहता है तो बुराई बुराई में वो मास्टर की पीएचडी की डिग्री ले सकता है और वो अच्छाई में भी उसी तरह की डिग्री ले सकता है। क्या आप जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में जितने जेल हैं उन जेल में 4,80,595 कैदी हैं और आज के वक्त में 1,401 यानी कि 1,401 जेल एक्टिव है, फंक्शनिंग है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो को हम टू हाफ में बनाएंगे। इस वीडियो का फर्स्ट हाफ में जेल की इनसाइड और जेल के ओवरव्यू में आपको दूंगा कि किस तरह जेल में कानून चलता है, किस तरह जेल में कैदी रहते हैं और किस तरह जेल का निज़ाम चलता है, और लास्ट हाफ यानी कि सेकेंड हाफ में मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कुछ फेमस जेल और उसकी इंफॉर्मेशन की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये जानकारी आपके जानने के लिए बेहतर है और ये मैं किसी व्यक्ति पे उंगली उठा के टिप्पणी नहीं कर रहा कि भविष्य में उसके साथ होगा, पर जानकारी देने के लिए मैं आप शब्द का इस्तेमाल करूँगा। जेल के अंदर आपको जेल में जाने से पहले आपको पुलिस कस्टडी से मैजिस्ट्रेट कस्टडी में जाना होता है। आपका जो गुनाह होता है जिसकी बुनियाद पे आपको पुलिस अरेस्ट करती है और वो कोर्ट में लेके जाती है और कोर्ट में जज डिसाइड करता है कि आपको मैजिस्ट्रेट कस्टडी में लेना है या नहीं। और जब आपको मैजिस्ट्रेट कस्टडी में लिया जाता है तो आपका पेपर वर्क होता है। जब आपको पुलिस कस्टडी से कोर्ट में भेजा जाता है, कोर्ट से मैजिस्ट्रेट कस्टडी में आप जाने के प्रोसेस में होते हो और मैजिस्ट्रेट कस्टडी से आप जेल, सेंट्रल जेल या डिस्ट्रिक्ट जेल की तरफ जाने के प्रोसेस में होते हो, तो वो 2-3 घंटे का वक्त होता है। तो ये 2-3 घंटे के वक्त में आप अपने फैमिली मेंबर, रिलेटिव से कुछ हेल्प ले लें। मिसाल के तौर पे सबसे पहले अपना सेलफोन, अपना वॉलेट, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो फौरन आप अपने रिलेटिव्स को दे दें ताकि आपके डॉक्यूमेंट सिक्योर रहे। दूसरी चीज़, आपने शर्ट पैंट जो पहना होगा उसके ऊपर कपड़े की और एक लेयर पहन लें। अगर आपने शर्ट पहना है और शर्ट के अंदर आपके बनियान है तो बनियान के ऊपर आप टी शर्ट पहन लें, और अगर आपने जीन्स पैंट या पैंट पहना है तो पैंट के अंदर नाइट पैंट, ट्रैक पैंट या फिर शॉर्ट्स या बर्मोराज पहन लें जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और एक अंडरवेयर एक्स्ट्रा आप अपने बैक पॉकेट में रख लें और 2,000 रुपये मिनिमम आप अपने पास रख लें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपने शूज़ पहने हैं तो शूज़ को निकाल दें और उसकी जगह स्लीपर्स पहन लें। इसका क्या फ़ायदा है और क्यों ऐसा करना चाहिए आगे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपके नाइट पैंट, ट्रैक पैंट, बड़मोरे में या आपके अटायर में, पूरे कपड़े में कहीं भी नाड़ा वगैरह होगा तो वो नाड़ा निकाल लें। अब जज डिसाइड करता है मैजिस्ट्रेट कस्टडी में कि आपको सेंट्रल जेल भेजा जाए या डिस्ट्रिक्ट जेल भेजा जाए। अगर आपको सेंट्रल जेल भेजा जाता है तो सबसे पहले जैसे ही आप जेल के प्रमाइसिस में दाखिल होते हो, जेल के गेट में, प्रमाइसिस में आप दाखिल होते हो, सबसे पहले लेवल पर चेकिंग आपकी ये होती है कि जो मैजिस्ट्रेट ने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उसको वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है। साथ ही साथ आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं यानी कि आपके फिंगरप्रिंट्स, और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपके पास क्या क्या सामान है वो यहाँ पर जमा करें। उस वक्त पे आपको अपने 2,000 रुपीज जो आप लेके आए थे वो जमा करना है आपको, और बाकी वस्तु अपने घर पे छोड़ दी वो बेहतर है, क्योंकि अगर आप नहीं छोड़ते तो अक्सर जेल में कैदियों के अनुसार
जो अनुभवी है उनके अनुसार ये बताया जाता है कि जो भी वस्तु पैसे छोड़ के आप छोड़ते हो वो वस्तु या तो गायब हो जाते हैं या तो वो खराब हो जाते हैं। तो इस बात के लिए ही मैंने आपको बोला कि वस्तु घर पे छोड़ दें या रिलेटिव्स के पास छोड़ दें। जब 2,000 रुपये आप जमा करते हो तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि वो कंप्यूटर सिस्टम में अच्छे से दर्ज हो जाए या फिर रजिस्टर में दर्ज हो जाए कि आपसे पैसे लिए, और हो सके तो उसकी रिसिप्ट ले लें। उसके बाद आपको सेकेंड लेवल पे जाना होता है। तो जैसे ही आप जेल के प्रमाइसेस के सेकेंड लेवल पे जाते हो आपको फौरी तौर से कपड़े उतारने की तैयारी में लगे रहना है। कपड़े आप जैसे ही उतारते हो आपको कपड़े इधर बगल में पकड़ लेना है और सिर्फ अंडरवेयर में खड़ा रहना है जब तक के पुलिस कांस्टेबल जेल का आपको बुला ना ले। और जैसे ही वो बुलाता है आपको अंडरवेयर भी निकालना और पूरा नेकेड होके वो आपको उसके सामने खड़ा होना और वो आपको चेक करेगा। अगर उसे आपके ऊपर संशय आता है, शक आता है आप पे, वो शक करता है, सस्पिशियस उसे कुछ लगता है, तो वो आपके गूदे यानी कि आपके एनस को भी पैर फैला के फाड़ के चेक करेगा कहीं आपने अपने एनस में वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट फोन या फिर ड्रग्स वगैरह तो नहीं डाल के लेके आ रहे हो। और ये क्यों और काय को होता है इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। फिर उसके बाद आपको आपके कपड़े पहनने, अगर आप जूते पहन के गए तो आपके शूज को फेंक दिया जाता, शूज की कोई जिम्मेदारी कोई भी जेल नहीं लेता है, तो आपको स्लीपर पहनना पड़ता है अंटिल एंड अनलेस आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आ जाए शू पहनने के लिए। तो स्लीपर बड़ा ही लाभदायक होता है। अब स्लीपर का दूसरा फायदा आता है आपको जेल के प्रिमाइसिस के अंदर जाने के बाद, जब आप वेटिंग रूम में वेट करते हैं ताकि 20 से 40 कैदियों का कॉन्वो हो तब इनको बराक्स में लेके जाया जाए। तो उस वक्त पे बैठने के लिए आपको कोई स्टैंडर्ड कुर्सी वगैरह नहीं मिलती है, बल्कि आपको नीचे जमीन पर बैठना होता है, और जमीन की ठंड और गंदगी से बचने के लिए आप उसी स्लीपर का इस्तेमाल कर सकते हो, नीचे रख के स्लीपर पर बैठ सकते हो। जब एक बार 20 से 40 लोगों का कॉन्वो तैयार हो जाता है तो आपको एक बराक में लेके जाया जाता है, और उस बराक को अनुभवी लोग हनीमून पीरियड वाला बराक बोलते हैं। क्यों हनीमून पीरियड वाला बराक बोलते हैं? क्योंकि वो एक दिन या वो एक रात जो आप वहां पे बिताते हो वहां पे आपको कोई काम नहीं करना पड़ता है, यानी कि आपको खाना सामने मिल जाता है, आपको सोने के लिए चद्दर बिस्तर मिल जाता है, आपको सोने में कोई तकलीफ नहीं होती है, और आपकी कोई रैगिंग नहीं होती है। जी हाँ, रैगिंग, आपने सही सुना। तो हनीमून पीरियड होने के बाद जब सुबह होती है तो सुबह सुपरिटेंडेंट या सुपरवाइजर आपका जेल का इंटरव्यू लेता है और आपसे पूछता है कि आप किस गुनाह में आए या आप पे क्या केस चल रहा है। अगर आप अंडर ट्रायल हैं तो आपको विस्तार में बताना होता है, और अगर आप कन्विक्ट हैं यानी कि आपका गुनाह सिद्ध हो गया है तो आपको वो भी बताना पड़ता है, और उसके बाद आपको डिवाइड कर दिया जाता है। अंडर ट्रायल को खास तौर पे अंडर ट्रायल वाले बराक्स में रखा जाता है, और कन्विक्ट यानी कि जो लोगों का गुनाह साबित हो चुका है उनको दूसरे बराक्स में रखा जाता है। अब इंटरव्यू होने के बाद आपकी एचआईवी की टेस्टिंग होती है, ये प्रोटोकॉल है हर सेंट्रल जेल का, पर उसका रिजल्ट ज़्यादातर आपको नहीं मिलता है। उसके बाद आपको एक साबु दिया जाता है नहाने का, एक साबु कपड़े धोने का, आपकी आई कार्ड बनती है, आई कार्ड में आपका अंडर ट्रायल नंबर होता है अगर आप अंडर ट्रायल में है, और या फिर कैदी क्रमांक यानी कि कैदी का सीरियल नंबर, प्रिजनर सीरियल नंबर होता है जो अंडर ट्रायल में नहीं होते हैं। फिर उसके बाद आपका बाल काटा जाता है और आपको क्लीन शेव करने लगाया जाता है, पर अगर आप सिख या मुस्लिम है तो आप दाढ़ी रखने की आपको इजाजत है, आप दाढ़ी रख सकते हैं पर बाल एकदम बारीक होगा। उसके बाद आपको आपके बराक्स को अलॉट कर दिया जाएगा। जैसे ही आपको आपका बराक अलॉट कर दिया जाता है सबसे पहला काम आपको यह करना है कि अपने ऑब्जर्वेशन पावर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग करना है और बहुत ही ध्यान देना है। ऑब्जर्वेशन पावर में आपको ऑब्जर्व करना है उस एक दिन के अंदर कि आपके लिए कौन सी टीम, जिसे स्लैंग लैंग्वेज में, जेल की भाषा में हांडी कहा जाता है, कौन सी हांडी आपके लिए बेहतर है। तो ये टीम आपको चूज करना होता है, और टीम में मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 10 से 15 लोग होते हैं एक टीम में। जितनी बड़ी टीम उतनी सहूलत और उतना काम भी ज्यादा, और जितनी छोटी टीम उतनी राहत और उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम। तो इस बात का आप ख्याल रखें, आप एक टीम चुने। जब आप टीम चुनते हैं तो आप नेगोशिएशन पार्ट पे आते हैं। अब नेगोशिएशन पार्ट ये कि अगर आपके पास 4 से 5,000 रुपया हर महीने
खर्च करने की कैपेसिटी है तो आप उस टीम में, उस हांडी में ये बोल सकते हो कि बॉस मैं कोई काम नहीं करूंगा, बदले में मैं जो बेसिक खर्चे जैसे आपके सिगरेट पान तंबाकू का या फिर आपके मिर्च मसाले का और टेस्ट एनहांसर का जो काम करते हैं सॉस वगैरह, ये सब का खर्चा मैं उठा लूंगा पर मैं कोई काम नहीं करूंगा। ये पहले लेवल की बार्गेनिंग होती है, पहले लेवल का नेगोशिएशन होता है। दूसरे लेवल का जो नेगोशिएशन होता है, आप अपना ही खर्चा खुद उठाना चाहते हैं और किसी का खर्चा नहीं उठाना चाहते, तो आपको काम बांट के लेना है। मिसाल के तौर पे सुबह का नाश्ता आप ला लें और नहाने के लिए पानी भर लें या पीने के लिए पानी भर लें या झाड़ू वगैरह मार लें, या दोपहर का खाना लाएं या शाम का खाना लाएं, तो ये काम बंटते हैं अंदर, तो ये काम आपको संभाल के लेना है। ये नेगोशिएशन आप अच्छे से कर लें और नेगोशिएशन इतनी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर और कट टू कट रखें ताकि जो काम आपको दिया है वही काम आप करें। हाँ, आप बीच बीच में एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि किसी बंदे की तारीख है वो अवेलेबल नहीं है तो उसका काम आपने कर दिया, आपकी तारीख पे कोई और बंदा आपका काम कर देगा, तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और ये बोलना गलत नहीं होगा। पर जेल में आपका परिवार आपका हांडी होती है। जेल में सबसे खास चीज आपको ध्यान देनी है कि बेगर वजह के झगड़ा नहीं करना है, ना झगड़ा करना है, ना गाली गलौज करनी है, ना बहसबाजी करनी है, क्योंकि अगर आप करते पकड़े गए तो आपको सीधा लेके जाएगा पेटी पे। पेटी का मतलब सेंट्रल जेल इन इंडिया में, इसका मतलब होता है पुलिस सुपरवाइजर क्वार्टर। वहां पे गलती किसकी है नहीं है ये नहीं पूछा जाता है, सीधा आपको मारा जाता है कि दोबारा आप गलती ना करो। और उसकी वजह यह है कि आप लोग अक्सर झगड़ा करके जेल के अंदर दाखिल होते हैं और जेल के अंदर दाखिल होने के बाद जेल का वातावरण खराब होता है। तो जेल में आपको सुधारा जाता है कि आप एडजस्ट करना सीख लें, इसके लिए हर बात पे आपको सब्र और एडजस्ट करना सिखाया जाता है, यही वजह है कि आपको मारा जाता है। तो जेल में ये सब चीजों से, बहसबाजी से बचे। उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज ये है कि जैसे ही आपको आपका बराक अलॉट होता है, आपको चार वस्तुएं दी जाती हैं जो जब तक आप जेल में उसको आपको संभाल के रखना है। पहला, एक 500 ml का मग। ये मग स्टील और एल्यूमिनियम का होता है, इसे आप ऐसा होल्ड कर सकते हैं। बियर का मग कैसा होता है, लगभग बिल्कुल वैसा ही पर इतने साइज का। और दूसरा होता है एल्यूमिनियम का प्लेट, उसी प्लेट में आपको खाना है, उसी प्लेट में आपको सब करना है। तीसरी चीज जो होती है वो होती है आपकी बेडशीट, एक सिंगल साइज की बेडशीट जो 5 से लेके 6 फुट तक की उसकी लेंथ होती है। क्योंकि इसकी लेंथ इसके लिए कम होती है क्योंकि बार बार एक कैदी से दूसरे कैदी के पास पास की जाती है तो कोई कैदी उसे काट लेते हैं, कोई फट जाती है कहीं से, तो इसके कारण लेंथ कम ज्यादा होती है। और एक आपको ब्लैंकेट मिलती है। अब आपने जो कोर्ट में, जो मैंने आपको बताया था कि आप एक और लेयर मजिस्ट्रेट कस्टडी में एक और लेयर कपड़ा आप पहन ले, उसका फायदा आपको जेल में इसके लिए होता है क्योंकि आप एक कपड़ा पहनते हैं और एक कपड़ा उतारते हैं, एक कपड़ा धोते हैं और दूसरे कपड़े पे जिंदा रहते हैं और 2 अंडरवेयर रहते हैं। पर आपको जो सबसे ज्यादा चीजों का ख्याल रखना है वो ये कि वहां पे जेल में हर चीज चोरी होती है, चाहे वो माचिस की तीली यानी कि माचिस की कांडी मैच टिकी क्यों ना हो। तो आपको अपने निशान बना के रखने, आपको अपने बेडशीट ब्लैंकेट पे अपना नाम बोल्ड एंड कैपिटल में लिखना है, आपका यूटी नंबर या प्रिजनर नंबर आपको लिखना है उसमें, और कुछ ऐसी डिजाइन बना दे जिससे आप फटाक से पहचान सके कि आपकी प्रॉपर्टी है। आपके जो एल्यूमिनियम की प्लेट और मग होते हैं उसमें आपको डिजाइन बना ले पत्थर की मदद से या फिर कील की मदद से, पर आप उस पर बनाए ताकि आपका प्लेट कोई चोरी करे तो आपको पता चल सके कि वो आपका है। अब ये सब जब हो जाता है, ये सब होने के बाद आप जिस हांडी में रहते हैं उस हांडी में, स्पेयर में किसी के पास बनियान होगी तो ये बनियान को आप वार्डरोब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कबर्ड की तरह। कैसे? बनियान के नीचे के हिस्से को गार्ड मार दें और ऊपर आपके सारे कीमती वस्तु, चाहे वो आपका टूथपेस्ट, ब्रश, आपका तेल हो, जो भी आप कैंटीन से खरीदेंगे और कैंटीन की जिक्र हम आगे करेंगे, या फिर आपके कपड़े हो वो सब आप उसमें रखें, कपड़े का साबुन जो भी उसमें रखें। हर दिन, दिन में 2 बार चेकअप होता है, सुबह और शाम। ये जो चेकअप यानी कि जो चेकिंग होती है, ये चेकिंग पुलिस की तरफ से होती है। जेल की पुलिस आके काउंटिंग करती है कि जितना नंबर, जितना वॉल्यूम, जितना संख्या होनी चाहिए कैदियों की बराक में वो बराबर है कि नहीं। और सरप्राइज विजिट, जिसे झड़ती भी कहा जाता है जेल की स्लैंग भाषा में, ये झड़ती कभी भी आ सकती है, हफ्ते में 1 बार, 2 बार या 3 बार। इस झड़ती में
वो कोशिश करते हैं पुलिस वाले पता करने की, धारदार हथियार, चरस, गांजा, यह ऐसा वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट फोन तो आपने छुपा के नहीं रखा है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आपके वार्डरोब में, यानी कि आपके बनियान में कोई ये चीज झड़ते वक्त छुपा तो नहीं दिया, फिर सारा इल्जाम आप पे आएगा और आपको मारा जाएगा। आप किसी भी चीज को लेके आर्ग्यू ना करें पुलिस वालों से, क्योंकि कैदियों के अनुभव के अनुसार, जो बाहर कैदी छूट के आए उनके अनुभव के अनुसार, अगर आप ज्यादा आर्ग्यू करते हैं तो आपके दिमाग को सुन्न करने की गोली आपको खिलाई जाती है, और बाहर तो किसी को पता भी नहीं चलता, तो ये लीगल क्या, इनलीगल क्या, जब तक पता ना चले सब ठीक है। तो आपके बुद्धि को इतना शांत करते हैं, और मुसलसल जब आप गोली लेते जाते हैं तो आप मन बुद्धि हो जाते हैं, आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है, और पहले जैसी आप में वो ताजगी, वो काबिलियत नहीं रहती। तो बहस करने से परहेज करें। अब एक चीज का अक्सर ख्याल रखें जेल के अंदर, कि कुछ भी हो जाए आप डेली नहाएं, डेली बाथरूम जाएं, डेली फ्रेश रहें, डेली हाइजीन रहें, और हफ्ते में एक बार आपको जो बेडशीट और ब्लैंकेट दिए उसको धो, और जैसे ही बेडशीट और ब्लैंकेट आपको पहली बार मिलता है जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से, तो उसको आप धोने के बाद ही वापरें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको स्केबीज जैसी बीमारी हो सकती है, और ये स्केबीज बीमारी नाइट्रा और फंगल इन्फेक्शन जैसी बीमारियों तक भी जा सकती है, और अंदर सच बोलूं तो कोई इलाज नहीं होता। और उसकी सीधी सीधी वजह यह है कि आपको सर्दी हो, खांसी हो, खुजली हो, बुखार हो, किसी भी तरह की मरज हो, किसी भी तरह की तकलीफ हो, तीन तरह की ही गोली मिलेगी, और वो तीन गोली से ही आपको काम चलाना है। आपकी बॉडी ऐसे एनवायरनमेंट को एडजस्ट कर नहीं पाती है, पर आपको सर्वाइव करना है, स्ट्रगल करना है। और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से ऊपर से देखता है, और जो रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल है, जो मेडिसिन अवेलेबल है, उसी से काम चलाता है। और इंजेक्शन और आईवी, आईवी की मतलब सलाइन, इंजेक्शन और आईवी सलाइन लगाने के लिए आपको नौ सीखे लोगों को ही, जो कैदी होते हैं उनको ही काम पे लगाया जाता है। तो कोशिश करें कि आप बीमार ना पड़े। नाखूनों को संभाल के काटे, क्योंकि अक्सर वहां के नेल कटर इतने थके होते हैं कि भाई साहब आपका जो नाखून होता है वो नाखून ही उखड़ जाता है, और आपको इन्फेक्शन होने का डर है। और जब भी आप नाई के पास बाल कटाएं, चेक करें कि उसने ब्लेड बदला है कि नहीं। तो इस बात का आप खास तौर पे ख्याल रखें। ये छोटी मोटी चीज जेल में जाने वाले को 15 से 20 दिन के अंदर समझ में आती है, पर मैं आपको जो मुद्दे की बात बताने जा रहा हूं वो ये है कि जेल के अंदर का जो खाना होता है वो खाना इतना इतना टेस्ट लेस होता है, इतना बेलज्जक होता है कि आप कहेंगे कि मैं जिंदगी में कभी अपने इधर के पालते हुए जानवर को, अपने इधर जो जानवर पाले मैंने, उन्हें भी ना खिलाऊं, इतना टेस्टलेस होता है। पर उस खाने का एक प्लस पॉइंट ये होता है कि फाइबर से भरपूर होता है, और वो खाना आप खाएं, और सुबह 5 बजे जब आपको उठाया जाता है और 6 बजे बाहर छोड़ा जाता है, आप जैसे ही बाथरूम में बैठेंगे आपका बाउल मूवमेंट, आपका पेट पूरा साफ हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन की बिल्कुल तकलीफ नहीं होती वो खाने के कारण, क्योंकि फाइबर ज्यादा होता है। हाँ, वो खाने में साफ सफाई कम होती है कि बटाटे में, पोटैटो में, आलू में मिट्टी लगी हुई वैसे ही बनाया दिया है, तो ऐसी चीजें होती हैं। खाने में अक्सर हींग का वापर किया जाता है ताकि आपकी जो सेक्सुअल भावनाएं हैं वो अपने चरम सीमा पे ना आए, और आप अंदर कोई अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी ना कर बैठो, इसके लिए हींग की मात्रा बढ़ा दी जाती है खाने में। सुबह का खाना 10:30 से 11:30 के बीच आता है, वो आप दोपहर में खा सकते हैं, और रात का खाना आपको शाम में 5 से 7 बजे के बीच में, डिपेंड अलग अलग सेंट्रल जेल के अलग अलग टाइम। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अंडर ट्रायल वाले बंदे होते हैं उनको बिल्कुल भी इजाजत नहीं होती है कि वो किसी प्रोफेशन में अंदर काम कर सकें, पर जो प्रिजनर्स होते हैं, जो कॉन्विक्ट होते हैं, जिन पे सजा जिनको हो चुकी होती है, उनके लिए अंदर बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल है। वो फर्नीचर का, कारपेंटर का काम कर सकते हैं, वेल्डिंग का काम कर सकते हैं, बार्बर का काम कर सकते हैं, हाउसकीपिंग का काम कर सकते हैं, और कॉबलर का, और ऐसे कई व्यवसाय के काम की अपॉर्चुनिटी अंदर मिलती है। और ये काम के जरिए आपको वेजेस भी मिलते हैं, जिसे अंदर की भाषा में भत्ता कहा जाता है। तो ये जो वेजेस होते हैं, ये वेजेस आपको मिलते हैं, और अनुभवी कैदियों के अनुसार ये वेजेस जो आपको मिलते हैं, आप अगर 5 साल जेल की सजा काट के आए हो तो आप 3 से 5 लाख रुपए तक ले सकते हो, डिपेंड कि आप किस क्षेत्र में कैसे काम कर रहे हो। और साथ ही साथ आपकी सजा भी कम होती है,
और यही भत्ते से आप अपने घर पे खर्चे के लिए भी पैसे भेज सकते हो और कैंटीन में भी वापर सकते हो। और अगर इसका आप नहीं वापर करते हो तो ये जमा रहता है और जेल से छूटने के बाद आपको एक साथ मिलता है। और जो अंडर ट्रायल वाले बंदे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अंडर ट्रायल वाले बंदों के लिए हर 14 दिन में कोर्ट की तारीख आती है जब तक कि उनका बेल ना हो जाए। तो ये कोर्ट की तारीख आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कारण वीसी कोर्ट होता है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट का ड्रॉबैक ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो हॉल होता है वो जेल के अंदर ही होता है, आपको बाहर की दुनिया देखने नहीं मिलती है, आपको अपने परिवार से मिलने नहीं मिलता है। तो आपको जज आपको सिर्फ देखती है एक नजर, नाम पूछती है, अंदाज से अगली तारीख दे देती है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आप बाहर जाएं और बाहर जाने के क्या लाभ है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आप फौरी तौर पर जज के सामने हाथ उठाएं और जज के सामने हाथ उठाने के बाद आप जज से कहें कि जज साहिबा या जज साहब, मैं आपसे फिजिकल कोर्ट की मांग करता हूं और मैं आपको अपनी परेशानी वहां के बताना चाहता हूं, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो चांसेस है कि जज मैजिस्ट्रेट आपको फिजिकल कोर्ट के लिए आपको परमिशन दे। फिजिकल कोर्ट के लिए जब आपको लेके जाया जाता है तो 5 जन से कम अगर लोग हो तो आपकी तारीख को पोस्टपोन कर दिया जाता है। ये तारीख आपको पोस्टपोन करनी होती है और 14 दिन बाद अगली तारीख लगती है। तो अक्सर अगर आप 5 के आंकड़े से कम होंगे तो समझ जाइए पोस्टपोन होने के चांसेस ज्यादा हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये चांसेस कम इसके लिए हो जाते हैं क्योंकि जेल अधिकारियों को जो जेल चलाने के लिए पैसे मिलते हैं वो पैसे को सही जगह इस्तेमाल करें और वो पैसे को कम से कम खर्च करें, इसके लिए जेल अधिकारी ये रोड ट्रिप प्लान नहीं करते हैं। पर जब आपको जेल लेके जाया जाता है तो आपका प्लस पॉइंट यहां से शुरू होता है जब आप जेल के बाहर जाते हैं। जब जेल के बाहर आप जाते हैं तो अक्सर सेंट्रल जेल के जितने भी पुलिस अधिकारी होते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी होती है आपको जेल से कोर्ट तक लेके जाने की, वो या तो खुद अपफ्रंटली आपसे बोलते हैं या तो आपको उनसे पूछना होता है कि सर क्या मैं, और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो अगर उस लोकल लैंग्वेज में आप पूछते हो, जैसे कि मैं महाराष्ट्र का हूं तो मैं मराठी में पूछूंगा, तो इससे फायदा बहुत ज्यादा होता है काम बनने का कि साहब मैं एक फोन करूँ शब्दों का कि मैं घर पे एक फोन कर लूँ, मेरे माँ बाप को देखना है, साहब एक फोन करने दीजिए। तो साहब बोलता है ठीक है, तो आपका नाम साहब पूछता है वो पुलिस वाला और नंबर लेता और खुद फोन करता है, और फोन करने के बाद वो वेरीफाई करता है कि ये बंदे को आप पहचानते हो। तो सामने वाला अगर एड्रेस करता है यस, तो पुलिस वाला पूछता है ये आपके रिश्ते में क्या लगता है, तो वो बोलता है कि मैं फला फला इसके रिश्ते में लगता हूं। तो फिर वो ये एक्नॉलेज करता है, ये जानकारी देता है कि कोर्ट में इतने बजे तक पहुंच जाएंगे, आप आ जाइए। पर ये पूरा काम इलीगल पूरा काम है, पर ये जितने कैदियों का अनुभव है उसकी बुनियाद पे आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार जब आप पहुंच जाते हैं कोर्ट में तो आपका परिवार आपको दिखता है और कोर्ट में अप्रोक्सीमेट 2 घंटे से 5 घंटे का समय लग ही जाता है। किसी किसी को तो अगर तादाद ज्यादा हो तो पूरा दिन मिल जाता है। तो ये कैसे मिलता है, आप जेल के वैन से उतरते हैं और कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट में पहले से जज बिजी होते हैं, लंच टाइम होता है और केसेस में जज बिजी होते हैं, तो इसके कारण आपको वक्त मिलता है। तो वो वक्त जो आप इंतजार करते हो कोर्ट के हॉल में, वो हॉल में आपके माँ बाप आपसे मिल लेते हैं, बात करते हैं, बच्चे का फोटो दिखाते हैं और घर की कुछ बातें शेयर करते हैं, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, तो इससे आपको काफ़ी वक्त मिल जाता है। उसके बाद बारी दर बारी जज के सामने आपका अपीयरेंस होता है। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट से आपको फिजिकल कोर्ट लाया गया है और जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया वैसा अगर आपने किया है, तो आपको जज के सामने वजह देनी होती है कि आपको फिजिकल कोर्ट में क्यों लाया गया। तो फिजिकल कोर्ट में वजहों में एक वजह आप ऐसी भी दे सकते हैं कि माय लॉर्ड योर ऑनर, मैं मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं मेंटली अनस्टेबल हो सकता हूँ या फिर मैं जो है बीमार हो सकता हूँ या मैं मर भी सकता हूँ, तो क्योंकि जेल की मुझे कभी आदत नहीं है और मैं एक अंडर ट्रायल कैदी हूँ और अंडर ट्रायल मेरा गुनाह अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है और मैंने गुनाह किया नहीं है, तो मेरी गुजारिश है आपसे कि मुझे फिजिकली जेल कोर्ट की तारीख दी जाए ताकि मैं जेल से बाहर निकलूँ, थोड़ी ताज़ी हवा लूँ, थोड़े जेल के बाहर का वातावरण देखूं, तो मेंटली मैं स्टेबल हो सकूं और जब मैं कोर्ट में आऊं और मेरे माँ बाप का चेहरा मैं एक लम्हे के लिए भी देख सकूं तो मैं मेंटली स्टेबल रह सकूं और मुझे काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सके। इसी के लिए मैं आपसे कोर्ट में फिजिकली आने की गुजारिश कर रहा हूं। और आप चाहें तो कोर्ट से एक
साइकेट्रिस्ट की काउंसलिंग की मांग भी कर सकते हैं। कोर्ट आपकी पूरी बातों को सुनता है। अगर आपके पास कोई और ठोस वजह है तो उसे भी आप रख सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है जज के सामने रखने का। पर उसके बाद बारी दर बारी आपको 2 से 5 घंटे 7 घंटे तक रुकना पड़ता है। पर जब आपका सबका कैलकुलेशन हो जाता है, जब आपके सबका जितने लोग वैन में लेके आए गए थे उनके सब की तारीख हो जाती है, उनकी हियरिंग हो जाती है, तो उनको वैन में बिठाया जाता है और पेपर वर्क के लिए आधे से 1 घंटा लगता है। तो ये पेपर वर्क जो आधे से 1 घंटे का रहता है, या पुलिस वाले जानबूझ के वैन रुकाते हैं क्योंकि पुलिस वालों को ब्राइब चाहिए। इंग्लिश में कहावत है, इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज फॉर फ्री। तो ये बात सच है, वो रुकाते हैं इसी वजह के लिए। तो ऐसे वक्त पे आपको 200 रुपए से 2000 रुपए तक का आपको ब्राइब देना होता है। अगर आपने 200 रुपए तक ही दिए हैं तो आपको सिर्फ वैन के पिंजरे के बाहर, वैन के बाहर खड़े होकर आप सिर्फ एक दूसरे को देख सकते हो, एक दूसरे से आप बात कर सकते हो, सिर्फ इतना कर सकते हो। पर अगर आपने 500 के ऊपर पैसे दिए तो आप फल फ्रूट खाने का सामान दे सकते हो ताकि वो रास्ते में आपका बच्चा कुछ बेहतर खा सके, पर वो जेल में नहीं लेके जा सकता ये सब। और अगर आपने 1000 से 2000 रुपए दिए हैं तो वैन के अंदर आपको मुलाकात करने भी दिया जाता है, क्योंकि अगर आपने पुलिस वैन ध्यान से देखी होगी, बड़ी वाली जो आयशर की पुलिस वैन होती है, इस वैन में कैदी लोग के लिए एक ट्रांसपेरेंट जाली तो होती है पर एंड में पीछे साइड में एक बंद बॉक्स होता है 1x1 का, उसमें पुलिस कॉप्स बैठते हैं। तो वहां पे आप अपने फैमिली मेंबर से मिल के बात कर सकते हैं, आप हाथ पकड़ सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, आप एक दूसरे को खिला सकते हैं, आप कपड़े बदलवा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये आपको अच्छा खासा वक्त मिल जाता है। और पुलिस को जब आप ये पैसे देते हैं उसके बाद आपको जाना है, तो जो भी खाने की वस्तु होती है वो आपको वैन में ही खा के ख़त्म करना है, उसको आप जेल के अंदर नहीं लेके जा सकते। जो भी दवा वगैरह आपको चाहिए रहती है वो कोर्ट के ऑर्डर से ही आप अंदर लेके जा सकते हैं, आप डायरेक्ट नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आपकी चेकिंग होती है और चेकिंग में अगर पाया गया तो उस चीज़ को फेंक दिया जाता है, भले ही वो आपके गले का रुद्राक्ष या ताबीज़ ही क्यों ना हो। तो इस बात का आप खास तौर पे ख्याल रखें। एक बार जब आप जेल में वापस एंट्री मारते हैं, आपको नेकेड करके चेक किया जाता है, फिर आप कपड़े पहनते हैं, फिर आप वापस डायरेक्ट अपने बराक में नहीं जाते हैं, उस हनीमून पीरियड में ही जाते हैं। और इस वक्त पे आपके काम आती है आपकी टीम, आपकी हांडी। तो आपके हांडी में से एक बंदा आपके तारीख के वक्त पे आपका सामान, जो आपका बेडशीट होता है, जो आपका ब्लैंकेट होता है, उसको बांध के वो हनीमून पीरियड पे रख आता है और उसमें एक चिट्ठी लगा देता है, या फिर आप खुद अपने लिखे हुए नाम को जो आपने बेडशीट पे लिखा है उसके जरिए आप पहचान सकते हो कि आपका बेडशीट है, और वो लेके आप सो जाते हो। अगर आपकी हांडी नहीं हुई तो यहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। पर हांडी शर्त नहीं होती, आप चाहे तो अकेला रह सकते हैं पर उसके लिए स्ट्रगल बहुत है। और ये हर सेंट्रल जेल में इसी तरह का यूनिवर्सल कानून है और इसी तरह से चीज़ें चलती हैं। आपको, आप चाहें तो जेल के अंदर अंडे खा सकते हैं, पर अंडे के लिए अगेन आपको आपके कैंटीन के पैसे से सामान लेना है। अब आते हैं हम कैंटीन पे। कैंटीन में आपको, मैंने शुरुआत में बोला था कि जब आप कोर्ट में लेके आए जाते हैं, जब आप मजिस्ट्रेट कस्टडी में लाए जाते हैं, जेल में आपको भेजने से पहले आप 2000 रुपये अपने जेब में रखें, वो 2000 रुपये आपको यहाँ काम आएंगे। आप फौरी तौर पर रजिस्टर में लिख सकते हैं कैंटीन के रजिस्टर में कि मेरा 2000 रुपया सिक्योरिटी के पास जमा है जेल के, मैं वो 2000 रुपया इन कैश करना चाहता हूँ कैंटीन के लिए। तो शुरुआत में यहाँ पे जेल के अंदर कोई मैनुअल नहीं रहता है, कोई ट्रेनर नहीं रहता जो आपको गाइड कर सके, इसी के लिए ये 2000 रुपये आप इन्वेस्ट कर लें जेल के कैंटीन में, और 10 से 15, 20, 25 दिन, डिपेंड आपकी आपकी ग्रैस्पिंग पावर कैसी है, आपकी सीखने की क्षमता कैसी है, उसकी बुनियाद पे आपको कितने दिन लगते हैं जेल के वातावरण को समझने और सीखने में, ये डिपेंड करता है, तब तक ये 2000 रुपये आपके काम आ सकते हैं। और इसके बाद आप मनी ऑर्डर के जरिए, इंडिया पोस्टल सर्विस के जरिए आप मनी ऑर्डर मंगा सकते हैं। मनी ऑर्डर आप 1500 से 2500 रुपये तक ही मंगा सकते हैं, ये हर सेंट्रल जेल में वेरी होता है, यानी कि किसी सेंट्रल जेल में 1500 तो किसी में 2000, किसी में 2500, पर 2500 से ऊपर आप नहीं मंगा सकते। अब आपको पैसे मंगवाने के लिए आपकी जो रिलेटिव है जो पैसे आपको भेज रहे हैं उनके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन उनके पास होना चाहिए आपका पूरा नाम, आपका अंडर ट्रायल नंबर या फिर आपका प्रिजनर नंबर, और उसके बाद आपका सर्कल कौन सा है, आप कौन से बराक में, वो इन्फॉर्मेशन। और अगर सर्कल आप जिस जेल में, उस जेल में सर्कल शब्द का प्रयोग नहीं होता है, तो कौन सा ब्रांच या शाखा है वो,
और उसके बाद सेंट्रल जेल का एड्रेस, फॉर एन एग्जाम्पल यरोड़ा सेंट्रल जेल यरोड़ा पुणे पिन कोड, दैट्स इट। 7 दिन से 10 दिन के अंदर आपको मनी ऑर्डर आ जाता है। जैसे ही मनी ऑर्डर आता है आपको एक रिसिप्ट एक स्लिप दी जाती है, वो स्लिप ये प्रूव होता है कि भैया आपके कैश को सेंट्रल जेल ने एक्सेप्ट कर लिया है, और उसके बाद आपको रजिस्टर में उसे अपडेट कराना होता है, जिसे लोकल लैंग्वेज में मराठी में वाड़ी भी कहा जाता है, यानी कि रजिस्टर में चढ़ाना होता है कि मेरे 2000 आए हैं, 2000 में से मैं 1500 वापरना चाहता हूँ, 1000 वापरना चाहता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो आप वापर लें। और दूसरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है ब्लैक का, वो इंस्टेंट मनी होता है। इस मनी के प्रोसेस में अगर आप जेल के अंदर गए हैं पहले दिन और आपने मनी ऑर्डर तीसरे दिन मंगाया, तो मनी ऑर्डर अगले महीने तक एप्लीकेबल होगा। ये इतना लंबा प्रोसेस होता है, लेंदी होता है, और इसे समझने के लिए आपको वक्त लगता है। तो सबसे आसान तरीका होता है वो एक इनलीगल तरीका है जिसे बोलते हैं ब्लैक में मंगाना। अब आप सोच रहे होंगे ब्लैक में कैसे मंगाया जाता है, तो जो कैंटीन होती है वो महीने में 2 बार खुलती है हर सेंट्रल जेल में, एक मंथ के मिड में यानी कि महीने के बीच में और एक मंथ के एंड में यानी कि मंथ के आखिर में, महीने के आखिर में। तो कैंटीन में जो पुलिस ऑफिसर को अलॉट किया जाता है वो होता है उसे बाबा बुलाया जाता है। तो बाबा के पास आपको जाना है और बाबा को बोलना बाबा मेरे को पैसे मंगवाने, तो बाबा आपसे जिस बंदे से पैसे मंगवाने उसका नंबर और आपका पूरा नाम लेता है, वो बंदे को फोन करता है और बोलता है कि आपका फला बंदा जेल में है, ये फला बंदे का पैसा आपको भेजना है, आप मेरे को यहाँ इस फला जगह पे आप आके मेरे को फिजिकली मिलो और मेरे हाथ में कैश दो। वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट नहीं करता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप उसके हाथ में जितना कैश दोगे, जितना आपको अंदर भेजना है उससे डबल आपको देना है, यानी कि अगर आप चाहते हो कि अंदर जो बंदा आपका जेल में है उसे आपको 2000 भेजना है तो बाबा को 4000 देना होगा, आपको अंदर 4 भेजना है तो बाबा को 8000 देना होगा, यानी कि डबल। साथ ही साथ अंदर जुए खेलने से बचे, खास तौर पे वहां पे जुआ जो खेला जाता है वो चल्लस आर्ट लूडो जैसे गेम में खेला जाता है, और जुआ कभी कभी सीरियस हद तक भी लग जाता है कि बुलेट कार का भी शर्त लग जाती है और बाहर वो सौदा हो भी जाता है, तो ये चीज से आप बचें। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, आप कभी भी जेल के अंदर अगर दुर्भाग्यपूर्ण जाते हैं, आप अंडर ट्रायल हैं, तो पेशेंस का दामन ना छोड़ें, क्योंकि अक्सर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और बेल होने में मुश्किलात आ सकती है, तो बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें। और मुलाकात की अगर हम बात करें, तो पहले बार जब आपकी परिवार आपसे मिलने आता है, सिर्फ ब्लड रिलेशनशिप को ही सेंट्रल जेल में मिलने की इजाज़त है, तो अगर वो मिलने आता है तो पहले दिन तो आपको तकलीफ होगी, पर पहले दिन जब आप मुलाकात करें तो सबसे पहले इस बात का ध्यान दें कि आप डे फिक्स कर लें, मंडे टू सैटरडे के बीच में कौन सा दिन और कितने बजे वो आएंगे, ये आप डे फिक्स कर लें। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आपको एक स्पीकर हर बराक में लगा होता है, जिस स्पीकर में अनाउंसमेंट होती है, अनाउंसमेंट होती है वकील मुलाकात यानी कि आपका लॉयर मिलने आया है, अनाउंसमेंट होती है फैमिली मुलाकात परिवार मुलाकात यानी कि आपकी फैमिली मुलाकात करने आई है, और अनाउंसमेंट होता है बेल ऑर्डर, बेल जामीन किसका किसका हो गया, जामीन की अनाउंसमेंट होती है, और अनाउंसमेंट नाम लेके की जाती है, बराक नंबर लेके की जाती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो है शुरुआत के पहले दिन जब पहली बार आपका परिवार मिलने आएगा तो आपको स्पीकर पे पूरा ध्यान देना होगा ताकि आपको ये मालूम पड़ सके। और आप अगर एक हांडी लेते हैं तो एक हांडी में अगर आप जाते हैं तो हांडी में सबको आपका नाम पता चल जाता है, तो दो कान से बेहतर अगर 5 जन आपके टीम में हांडी में तो 2 कान की जगह 10 कान लगेंगे और 10 कान से आपका नाम मिस होने के चांसेस कम होते हैं, इसी के लिए हांडी का फायदा होता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप एक डेट फिक्स कर लेते हैं तो वो डेट पे आपको बाकी दिनों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं होती और आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अंदर दूसरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन ये है कि आप लेटर भेज सकते हैं पोस्ट ऑफिस के जरिए। अगर आपको फ्री फंड वाला लेटर चाहिए तो सरकार की तरफ से महीने में 2 से 7 लेटर मिलता है, डिपेंड अलग अलग सेंट्रल जेल के अलग अलग कानून पर। अगर आप कि बातचीत पुराने कैदियों के साथ अच्छी है जो वहां पे उस विभाग में काम कर रहे हैं तो आप 10 12 25 लेटर भी ले सकते हैं। वो लेटर में कोई भी जेल के विरुद्ध बात या जेल के अंदर आपके साथ जो बुरा हो रहा है उसके बारे में ना लिखें, क्योंकि अगर आप लिखते हैं तो वो लेटर पढ़ा जाता है फिर पोस्ट किया जाता है, तो जब पढ़ा जाएगा तो उसमें कुछ लिखेगा तो उसे फाड़ के फेंक दिया जाएगा। पर अगर आप कंटिन्यू मुसलसल ये काम कर रहे हैं तो आपका लेटर तो पहुंचेगा नहीं पर आपको पेटी पे लेके जाके मारा भी जाएगा, तो इस बात का आप ख्याल रखें।
पर अगर आपके पास कैंटीन में पैसे आते हैं, फ्री फंड का आपको नहीं चाहिए, अनलिमिटेड लेटर का एक्सेस चाहिए, तो आप कैंटीन से एनवलप ले सकते हैं और कैंटीन से स्टैंप आप ले सकते हैं, और आप जो लेटर जो भी लिखते हैं वो लेटर वहां पढ़ा जाता है, फिर पोस्ट किया जाता है। घर से भी जब आपका लेटर आएगा तो घर से लेटर जब आपके घर वाले आपको भेजेंगे तो वो लेटर भेजने के लिए क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जिसको लेटर भेज रहे हैं उसका पूरा नाम, उसका बराक नंबर, उसका सर्कल नंबर, अगर सर्कल नंबर नहीं आपके उस जेल में है तो शाखा या ब्रांच नंबर, उसके बाद अंडर ट्रायल यूटी नंबर या फिर प्रिजनर नंबर, ये नंबर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो नंबर होना चाहिए आपके पास, और फिर एड्रेस जो सेंट्रल जेल में आप भेज रहे हैं। लेटर 5 से 10 दिन में पहुंच जाता है अगर आप 300 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हो तो, और अगर आप स्टैम्प वापर रहे हो तो जल्दी स्पीड पोस्ट भी हो सकता है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। साथ ही साथ मैं ये बता दूं आपको अंदर बीमार नहीं होना है, और अगर आपके पास बहुत पैसा है और जेल के अंदर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप इस बात का ख्याल रख सकते हैं कि आपको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कराया जा सकता है, नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है 10-12 दिन के लिए बीमार बता के सिक लीव पे, और आपके परिवार से आप फिजिकली मिल सकते हो, अच्छा खा सकते हो, पर इसकी एक अच्छी खासी कीमत होती है, और जितने अनुभवी जेल से अपनी सज़ा काट के हैं उनके अनुसार 26,000 से 1.5 लाख रुपए तक का रेंज होता है, डिपेंड आप कौन से पैकेज में बैठते हो, पर इसकी जानकारी भी आपको जेल के अंदर रहने वाले जो वेटरन कैदी होते हैं जिनको वार्डन की जिम्मेदारी दी जाती है उनसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अंदर आप फोन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, फोन अंदर आजकल जेल में जामर्स है, पर कैदियों के अनुसार ये जो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट फोन होता है ऐसे फोन का एक कॉल 150 से 1,500 रुपए तक जाता है, डिपेंड कि आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हो। तो ये फोन आजकल जेल में जामस लग गए हैं, पर हाल ही में भी खबर आती है कि जेल में सेलफोन्स बरामद होते हैं चार्जर के साथ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपको जेल के अंदर इस बात का भी खास तौर पे ख्याल रखना है कि आप कोई ना कोई एक्टिविटी में मसरूफ हो जाए, वरना डिप्रेशन आपको मार खाएगा। और जेल के अंदर रेडियो और फ्री डिश वाली टीवी सर्विसेज भी होती है, पर टीवी के लिए कभी झगड़ा ना करें, क्योंकि अगर आपने टीवी के लिए झगड़ा किया तो बॉस झगड़ा किया तो पेटी पे गए, और पेटी पे गए तो मार पड़ी, तो इस बात का ख्याल रखें। और आपका जब बेल ऑर्डर आता है, तो अब हम बात करेंगे बेल ऑर्डर की, तो जब बेल ऑर्डर आपका आता है तो बेल ऑर्डर जब भी कोर्ट की तरफ से बेल ऑर्डर इशू हो तो आपको बेल ऑर्डर जो आपके रिलेटिव होते हैं जो बेल ऑर्डर लेते हैं जिसे लकोटा भी कहा जाता है उसे अच्छे से पढ़ लें, देखें कोई टाइपोग्राफिकल एरर या रिटर्न एरर तो नहीं है, अगर वो है तो उसे तुरंत दुरुस्त कराएं, क्योंकि इस छोटी छोटी चीज़ों का अगर आपने नज़रअंदाज किया तो जेल में सामने वाले की 1 से ज़्यादा दिन के लिए डीले हो सकता है उसका बेल, तो इस बात का ख्याल रखें, वकील से भी पूरा पढ़ाएं। और फिर उसके बाद हर सेंट्रल जेल के बाहर एक रेड बॉक्स होता है, वो रेड बॉक्स में आपको लकोटा या बेल रिलीज ऑर्डर आपको डालना होता है, और उसके टाइमिंग्स होते हैं जो वो रेड बॉक्स पे लिखा होता है। अमूमन टाइमिंग जो होता है वो सुबह 8 बजे का होता है, 9 का होता है, 11 का होता है, 1 का होता है, 3 का होता है और 5 का होता है, तो ये टाइमिंग्स आपको पता करने हैं। आप टाइमिंग्स पता करने के लिए मैं आपको जेल की वेबसाइट दे दूंगा, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसमें आप जेल का और जेल की हेल्पलाइन नंबर आप निकाल के जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जब आप जैसे ही बेल रिलीज ऑर्डर या लकोटा आप डालते हैं तो आपके बंदे को जेल से बाहर निकलने के लिए 2 से 3 घंटा लगता है। अगर आपने सुबह 8 बजे डाला तो आपका बंदा 12 से 1 बजे बाहर निकलेगा। संडे को कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही रिलीज चालू किया जाता है, पर संडे के दिन मुलाकात बंद होती है, तो इस बात का ख्याल रखें। और कहीं गवर्नमेंट कई गवर्नमेंट के जो सेंट्रल प्रिजन है वहाँ पे ऑनलाइन मुलाकात की, फैमिली मुलाकात की एप्लीकेशन भी आप डाल सकते हैं, वहाँ से टोकन नंबर भी आप निकाल सकते हैं, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको यरोड़ा सेंट्रल जेल से जुड़ा हुआ फुल इनसाइड वीडियो चाहिए तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको यरोड़ा सेंट्रल जेल के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। और एक बार जब आप बेल से बाहर आते हैं तो बाहर डिटेक्टिव ब्रांच के सिविल यूनिफॉर्म में खड़े पुलिस होते हैं, और ये जो पुलिस होते हैं ये पुलिस
ब्राइब लेने के चक्कर में आपको पकड़ते हैं। तो डिपेंड करता है आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो, उसके हिसाब से ये ब्राइब लेते हैं। 500 से 5000, 8000, 10000 तक भी ब्राइब जाता है। अब इनका काम ये होता है कि ये जो डिटेक्टिव ब्रांच वाले पुलिस होते हैं, जो डीबी वाले पुलिस होते हैं, ये आपको पकड़ते हैं, आपको वेट कराते हैं और आप बोलते हैं यार फिर कोई केस में झूठ मूठ का ना अटका दे, पैसा दे के निकल जाए। पर ये इसके लिए पकड़ते हैं, या तो आपका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा या किसी पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन से हिस्ट्री शीटर के लिए अक्यूज समझ के उसे उठाने का हुक्म होगा ये चीज़ के लिए, या आप रिपीट ऑफेंडर होंगे इसके लिए। पर अगर आप फर्स्ट बार गए हो, फर्स्ट बार आप अंडर ट्रायल में गए और आपका बेल हुआ है, तो आप चिंता ना करें, आपको 2-3 घंटा रुका के आपको छोड़ दिया जाएगा। पर आपको जल्दी निकलना है तो 500 से 1000 रुपये में आप मांडोली कर सकते हैं। पर अगर आप जेल से बाहर निकले अपना गुनाह की सजा काट के, तो जब तक के आपके ऊपर कोई और केस साबित नहीं होता है तब तक कोई भी पुलिस वाला आपको रोक नहीं सकता। तो इस बात का आप ख्याल रखें। ये जो भी जानकारी मैंने आपको दी, ये जानकारी देने का मकसद ये था कि आप जागरूक हो, आप सतर्क रहें और ऐसा कोई इलीगल एक्टिविटी करने से बचें। और अगर दुर्भाग्यपूर्ण भविष्य में आपके तकदीर में जेल यात्रा लिखी हो तो आप उसके लिए तैयार रहें। इस विषय में मैंने ये वीडियो बनाया है। अब सेकेंड हाफ में चलते हैं, जिसमें आपको फेमस जेल और उसके ओवरव्यू के बारे में पता चलेगा। दोस्तों, इंडिया में जितने बड़े फेमस सेंट्रल प्रिजन हैं उनमें से आज हम जिक्र करने वाले हैं आर्थर रोड के बारे में। आर्थर रोड ये एक ऐसा जेल है जो मुंबई के मेट्रो सिटी में है और ये जेल पूरी तरह 2 एकड़ में फैला हुआ है। अगर इस जेल के बारे में अगर हम विस्तार में बात करें तो मैं आपको बता दूं, मिड 90s में इस जेल का नाम आर्थर रोड से बदल के मुंबई सेंट्रल प्रिजन रख दिया गया था। ये 2 एकड़ में स्थित जेल है और इस जेल में सिटी के और आसपास के खोखार कैदियों को रखा जाता है। कई इनफेमस और फेमस नाम आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, जैसे कि मशहूर अभिनेता संजय दत्त यहाँ पे इनकार्सरेटेड हो चुके हैं, अजमल कसाब जो इनफेमस टेररिस्ट रह चुका है उसे भी ये जेल में रखा गया था, और कई मशहूर गैंगस्टर जैसे अबू सालेम और सतीश कालिया को भी यहाँ पे इनकार्सरेटेड किया गया था। दोस्तों, इंडिया में जितने भी फेमस सेंट्रल प्रिजन हैं उनमें से हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है हरसूल सेंट्रल प्रिजन। ये एक ऐसा जेल है जो औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र की सरजमी पे, और ये जेल कुल मिला के 29.6 एकर्स में फैला हुआ है। और अगर इस जेल के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे 19 बैराक्स है और इन 19 बैराक में 1400 प्लस कैदी इनकार्सरेटेड है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट में जिस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और टीवी और न्यूज़ चैनल पे कई वक्त तक वही न्यूज़ चल रही थी, उस न्यूज़ से जुड़े हुए उस व्यक्ति के दो भाई औरंगाबाद के हरसूल सेंट्रल प्रिजन में इनकार्सरेटेड है, जिनका नाम है यूसुफ मेमन और ईसा मेमन। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कई नोटोरियस क्रिमिनल्स, कई इनफेमस क्रिमिनल्स यहाँ पे इनकार्सरेटेड हैं। दोस्तों, हमारे सेंट्रल जेल के इसी लिस्ट में अगला नाम आता है महाराष्ट्र के एक जेल का, जो है तलोजा सेंट्रल प्रिजन। तलोजा सेंट्रल प्रिजन खारघर के नवी मुंबई में स्थित है। ये प्रिजन, ये जेल की अगर हम बात करें तो ये जेल 27 एकर्स में फैला हुआ है और कुल मिला के यहाँ पे 28 बैराक्स है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इस 28 बैराक में अप्रॉक्सीमेट 2500 से ज़्यादा कैदी कैद है और इनमें 90% कैदी जो है वो अंडर ट्रायल हैं। तो आपको ये जो चार चार हिस्सा नज़र आ रहा है ये बैराक है, और बैराक के बाजू में ये जो सर्कल सेल नज़र आ रहा है ये स्पेशल सेल है, ख़ास तौर पर जो बहुत ही मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें रखने के लिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि ये जेल में कई इनफेमस गैंगस्टर्स इनकार्सरेटेड हैं, मिसाल के तौर पे रवि पुजारी, भारत नेपाली
और अबू सालेम जैसे लोग। हाल ही में कर्नल पुरोहित, जिनका नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था, जो बहुत ज़्यादा इनफेमस हुए थे मारेगांव ब्लास्ट के लिए, वो भी यहाँ पे 9 साल इनकार्सरेटेड थे। दोस्तों, हमारे इस सेंट्रल जेल इन इंडिया के लिस्ट में अगला नाम आता है तिहार जेल का। तिहार जेल, ये तिहार गांव के दिल्ली में स्थित ये जेल है। 1957 यानी कि 1957 को इस जेल का उद्घाटन हुआ था और ये जेल अप्रॉक्सीमेट 400 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। इस जेल में कई ब्रांचेस है, ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 4, ब्रांच नंबर 6, 8, 9, ऐसे करते 400 एकड़ के इलाके में ये जेल फैला हुआ है। अगर इस जेल की हम खास तौर पर बात करें तो इस जेल में कई फेमस इनफेमस लोग कैद हैं। मिसाल के तौर पर संजय गांधी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक मेंबर रह चुके हैं और साथ ही साथ गांधी परिवार के एक चिराग। हाल ही में जो लेफ्ट विंग के एक्टिविस्ट हैं कन्हैया कुमार जेएनयू के, वो भी यहाँ पे कैद रह चुके हैं। हमारे फॉर्मल रेल मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव भी यहाँ पे इनकार्सरेटेड रह चुके हैं। छोटा राजन जैसा इनफेमस गैंगस्टर भी यहाँ पे इनकार्सरेटेड रह चुका है। और ये जेल जिसके कारण बहुत ज़्यादा फेमस हुआ वो है इंटरनेशनल सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज। और अगर आपने हाल ही में किरण बेदी के बारे में सुना होगा तो किरण बेदी ये वो अधिकारी हैं, ये वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर और करंट गवर्नर हैं जो फेमस हुई, जो मशहूर हुई तिहार जेल के कारण, क्योंकि ये तिहार जेल में सुपरिटेंडेंट रह चुकी है। और अगर आपने भाग मिल्खा भाग पिक्चर देखा होगा तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, भाग मिल्खा भाग पिक्चर जिस पे बनाई गई थी वो शख्स थे मिल्खा सिंह, और मिल्खा सिंह भी इस जेल में रह चुके हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मिल्खा सिंह जैसा बड़ा खिलाड़ी जेल में क्या कर रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि वो ट्रेन में प्रॉपर टिकट ना होने के कारण ट्रेन में पकड़े गए और उन्हें तिहाड़ जेल में रातें गुजारनी पड़ी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको दी गई इन्फॉर्मेशन से काफ़ी मदद मिली होगी, काफ़ी जानकारी मिली होगी, और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर करें, क्योंकि नॉलेज ही पावर है। आप अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर येरोड़ा सेंट्रल जेल के बारे में आप विस्तार में ज़्यादा इन डेप्थ जानकारी चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर लें और अपने फीडबैक को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके फीडबैक के ज़रिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आज़म आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।